हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी को सत श्री अकाल। देखिए, आप लोग सही से पढ़ ही रहे होंगे जहाँ तक है, और मैं तो आपसे इतना ही बोलूँगा, बिना पढ़ाई के आजकल कुछ भी है नहीं। तो पढ़ते रहिए पढ़ते रहिए, क्योंकि जितना आप पढ़ेंगे उतने आप बढ़ेंगे। चलिए, मैंने आपसे प्रीवियस वाले लेक्चर में बात की थी कि मैं जो नंबर सिस्टम का अगला टॉपिक है डेसिमल, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करूँगा, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि इससे पहले मैंने आपको डिविजिबल वाले नंबर मेथडों के बारे में मैंने बता दिया कि कौन सा नंबर कितने से डिवाइड होता है और उसका शॉर्ट मेथड क्या है, मैं 5 से 10 सेकंड में आंसर कैसे ला सकता हूँ। ठीक, क्योंकि वो चीज़ें हमारे लिए एग्ज़ाम व्यू पॉइंट से भी ठीक ठाक हैं, और जब हम कभी कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एग्ज़ाम चलता है हमारे एग्ज़ाम चलते हैं हमारे, चाहे हमारे वो ग्रेजुएशन लेवल पे हों, चाहे हमारे हाई स्कूल इंटर के हों, या फिर किसी के भी एग्ज़ाम हों, तो वहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल रहती है ये वाली जो मेथड जो मैंने बताए हैं इससे पहले, डिविजिबल वाला मेथड, वो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो चलो, उसे मैंने बता दिया है, उसे आप बार बार रिवाइज करें। ठीक है, और डेसिमल वगैरह बताने के बाद, इसके बाद मैं बताऊंगा आपको स्क्वायर व स्क्वायर रूट, उसके बाद फिर मेरा एक और लेक्चर आएगा इसके बाद, क्यू व क्यू रूट, उसके बाद फिर मेरे एक और लेक्चर आएगा जो कि सेकंड लास्ट होगा या फिर लास्ट ही होगा शायद, यूनिट डिजिट फाइंड आउट, मतलब कैसे इकाई अंक हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वो लास्ट का लेक्चर रहेगा, उससे पहले शायद एक या दो लेक्चर और ले लें हम। ठीक है, मतलब उससे पहले स्क्वायर रूट और क्यू रूट से बाद की बात कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वो ये टॉपिक हैं, बार बार आते रहेंगे, तो जो टॉपिक आएगा हम उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे आप लोगों के लिए। बट आप लोगों से मेरी यही विनती रहती है बार बार कि आप अपने दोस्तों को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि आप सीखेंगे अच्छी बात है, बट आपका फ्रेंड सीखेगा ये और भी अच्छी बात है। हम एक अशिक्षित समाज से शिक्षित समाज में जा रहे हैं, तो शिक्षित समाज हमारा तभी होगा जब हम एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे, अन्यथा हम कभी भी एक शिक्षित समाज को नहीं बना सकते, क्योंकि शिक्षित समाज के लिए हमें एक दूसरे का सहयोग चाहिए होता है, और वो जब तक नहीं हम एक दूसरे का देंगे तब तक हम शिक्षित समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए वो टॉपिक हो गया बात का शिक्षा और समाज का, उसे हम जब PTC या DL, DLED या फिर BEd का सिलेबस जब कवर कराएंगे तो उसमें हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य सब्जेक्ट के विषय में। तो फिलहाल तो वो चीज़ें अलग हैं, वो ग्रेजुएशन लेवल से वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, बट अभी आप लोगों के लिए क्या है, सभी के लिए ये चीज़ जो मैं सिखा रहा हूँ मैं, तो वो सभी के लिए है। देखिए डेसिमल, अब यहाँ की बात कर लेते हैं डेसिमल। ठीक, तो अब डेसिमल पे आते हैं हम, तो डेसिमल में क्या है, हमारे पास दो तरह के डेसिमल दिखाई देते हैं, दो तरह के डेसिमल होते हैं। ठीक, एक होता है हमारा टर्मिनेट और एक होता है मेरा नॉन टर्मिनेट। और
थोड़ी बहुत मेरी मिस्टेकें अगर हो जाएं, गलतियां हो जाएं, तो उन्हें नज़रअंदाज कीजिए, क्योंकि जो बोलता हूँ आप उस पर फोकस कीजिए। लिखने में और बोलने में कभी कभी डिसबैलेंस हो जाता है जब स्पीड ज़्यादा हो जाती है, ठीक है? तो इसलिए चलिए इसे बोलते हैं हम शांत दशमलव, और इसे अशांत। देखिए हम इंग्लिश के साथ में हिंदी भी लेके चल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ये वीडियो सभी लोग देखेंगे, हिंदी मीडियम वाला भी और इंग्लिश मीडियम वाला भी। तो जो भी स्टूडेंट इसे देखेंगे उनके लिए बेनिफिशियल है, दोनों चीज़ें हैं, ठीक है? तो चलिए अब देखिए, अशांत दशमलव और अशांत दशमलव, पहले हम बात कर लेते हैं शांत दशमलव की। शांत दशमलव इसमें क्या होता है, देखिए शांत दशमलव में होता क्या है एक्चुअल में, ठीक है? इसमें जो वैल्यू होती है हमारी वो एक पॉइंट पे जाके रुक जाती है, रिपीट नहीं होती है, या यूं कहें हम कि उसका रिपीटेशन नहीं होता है, ठीक? कैसे? देखिए आवर्ती नहीं होती है। कैसे? जैसे मैंने माना 0.64, 0.65, 0.78, 0.0482, ठीक है? बस इतनी। अब देखिए इन वैल्यूओं में क्या दिखाई दे रहा है हमें, कि जो ये वैल्यू है हमारी पॉइंट के बाद 2 अंक बाद ये रुक गई है, अपने आप शांत हो गई है, ठीक है? ये वैल्यू क्या हो गई, शांत हो गई है। ये 2 अंकों बाद शांत हो गई, ये भी 2 अंकों, ये वाली 4 अंक तक गई, उसके बाद फिर शांत हो गई, उसके बाद फिर इसने कोई हलचल नहीं की। तो जो ऐसी वैल्यू आ जाती है हमारी, ठीक है, वो हमारी होती है शांत दशमलव, इन्हें बोलते हैं शांत। ये तो एग्जैक्ट निकल आती है हमारे पास। समस्या क्या आती है इनमें, समस्या ये आती है कि जब हम नॉन टर्मिनेट वैल्यू पढ़ते हैं तो इनमें बहुत बड़ी समस्या आती है। रीजन क्या है, जो हम जब इनके बारे में अब ये वाला मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है? देखिए जब इनके बारे में पढ़ता हूँ, ये वाली जो वैल्यू हैं, तो इनमें 2 तरह की वैल्यू हमें देखने को मिलती हैं। एक होती है रिपीट, रिपीट नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट डेसिमल, ठीक? क्या है, रिपीट नॉन टर्मिनल। दूसरा है हमारे हमारे पास क्या है, नॉन रिपीट, और नॉन टर्मिनेटिव डेसिमल। अब इसमें क्या है, देखिए नॉन टर्मिनेट वैल्यू वैसी वैल्यू होती हैं जो शांत नहीं होती हैं, वो चलती रहती हैं, या तो वो रिपीट होंगी या वो रिपीट नहीं होंगी। अब इसमें क्या है, रिपीटेशन वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास, ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। आपके पास अगर जगह है तो कर लेना, नहीं तो हम इसे अरेंज करके हल्का सा नीचे कर लेते रहे हैं, क्योंकि उसी में कवर करा देंगे थोड़ा सा, फिर एग्जाम्पल ले लेंगे। नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें क्या होता है, जो ये वाली वैल्यू होती है हमारे पास रिपीट नॉन टर्मिनेट वैल्यू, तो इसमें क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई वैल्यू आ जाए, ठीक,
ठीक। अब देखिए इनमें क्या दिखाई दे रहा है कि वैल्यू रिपीट हो रही है। कैसे? जी पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, डॉट डॉट डॉट। अब इसमें देख लीजिए, ये तो वैल्यू ठीक है बट यहाँ के बाद वैल्यू रिपीट हो गई। ठीक, इसमें भी देख लीजिए 7 6। ठीक है, ये तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, कोई भी वैल्यू दिक्कत नहीं है, फिर यहाँ पर रिपीट हो गई। ठीक है, इसमें ये वैल्यू यहाँ तक है, फिर ये रिपीट हो गई, हमारे पास ये पूरी वैल्यू रिपीट है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, और शांत नॉन टर्मिनेट मतलब अशांत दशमलव है। मतलब इससे क्या नज़र आ रहा है कि ये शांत भी नहीं हो रही है वैल्यू। ठीक है, अशांत है। ठीक है, बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, चलती ही जा रही है आगे के लिए। अब नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेट वैल्यू, तो इसमें क्या है, कुछ वैल्यू ऐसी आ जाती हैं हमारे पास, उल्टा सीधा नंबर आता है, उल्टा सीधा मतलब ये एक तरह से रिपीट भी नहीं हो रही है और ये एक तरह से शांत भी नहीं हो रही है, अनंत तक जाएंगी। ठीक है, जिसमें हमारी एग्जाम्पल इसका क्या है, मेन रूप से हमारे पास रूट 2 है, और मतलब कह लो एग्जाम्पल, यहाँ पर लिख लो एग्जाम्पल इसका, कह देते हैं हम इरेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर इज नॉन एज ऑल इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, ये चीज़ है। और इसमें क्या है, टर्मिनेट में इसमें जो रेशनल नंबर होते हैं वो आ जाते हैं इसमें। अब बात करते हैं, देखो ये वाली वैल्यू तो हमारे एग्जांपल एक पाई का भी ले लो, यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है कभी भी रिपीट नहीं होगी और चलती जाएगी। मतलब पाई की वैल्यू कैसी है हमारी, नॉन रिपीट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, तो इन दोनों का तो प्रयोग हम, इसका प्रयोग हम करते हैं किसमें, रेशनल नंबर में, रेशनल नंबर में। ठीक है, तो मतलब रेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं हमारे, रेशनल नंबर कौन से होते हैं, पी अपॉन क्यू के रूप में होते हैं, और जहाँ क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, और ये हम, ये किस में होते हैं, माइनस भी हो सकता है और 0 सहित प्लस भी हो सकता है। ओके, ये चीज़ समझ में आ गई बात। ठीक है, मतलब वैल्यू हमारी 0.67 भी हो सकती है माइनस की, और 0.67 भी प्लस की हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। ठीक, चलो अब बात करते हैं सबसे मेन चीज, रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल सबसे बेस्ट, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ जाता है और इससे क्वेश्चन भी कराएंगे हम, उसकी टेंशन ना लीजिए। पहले समझिए, इतनी चीजें आप नोट कर लीजिए जहां तक है। ठीक है, जो हमारे पास कौन सा था, रिपीट नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वैल्यू या नंबर, ठीक जो भी है। अब देखिए इसमें क्या, हिंदी वालों के लिए क्या बोले हैं हमें, इसे हिंदी वालों के लिए आवर्ती, ठीक, अशांत दशमलव संख्याएं। ओके, ये हिंदी वालों के लिए है। अब इसमें पहली बात सबसे बड़ी कि ये क्या होती है, मैंने बता दिया है आप लोगों को, अब इनके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो देख लीजिए। मेन चीज क्वेश्चनों की होती है। क्वेश्चनों में क्या होता है कि देखिए, जैसे मेरे पास मान लीजिए
मेरे पास 3/9 है, ठीक है, ये क्या है 3/9 है, या फिर हम मान लेते हैं 1/9 है, या मान लेते हैं 2/9 है, जो भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं कि अगर हम 9 का टेबल इसमें पढ़ेंगे, इसके पहले बात कर लेते हैं, एक एक सीरीज से लगा देते हैं, उसके बाद हम, ठीक है, थोड़ा सा सीरीज से लगा लें, 1/9, 2/9, 3/9 और 4/9, ठीक है, 5/9, ये चीज़ें। अब बात कैसे आएगी, कैसे करेंगे, देखिए 9 का टेबल हम 1 में नहीं जा सकता, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट 0 हुआ 1, 9 बन जाए 9, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, डॉट 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 इन्फाइनाइट तक जाएगा, ठीक। इसकी बारी आ जाती है, इसमें आ जाइए, इसकी, ये तो इसकी थी, अब इसमें आओ, इसमें क्या है 0.18, 9 दूनी 18, फिर बचा 2, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, डॉट 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 इनफाइनाइट, ठीक। ये तो इसकी, अब बारी है इसकी, अब देखिए 9 तीय 27, 0.333 डॉट 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 इनफाइनाइट, अब इसकी बारी है 9 चौक 36, तो 0.44 के समथिंग आएगी वैल्यू इनफाइनाइट, ये आ जाओ 9 5 जा 45, 9 4 जा 45, ठीक है, 9 5 जा 45, ये देखिए इनमें एक चीज नजर आ रही है आप लोगों को कॉमन, कि पॉइंट के बाद हर वैल्यू रिपीट हो रही है, मतलब 2 2 2, 3 3 3, 4 4 4, 5 5 5, ठीक, ये चीज एक कॉमन नजर आ रही है। इसमें हम इसे कैसे लिख सकते हैं, अगर इसे छोटे रूप में लिखें, इनका छोटा रूप, लघुत्तम रूप में अगर इन्हें लिखें, तो हम लिख सकते हैं इसे आराम से 0.1 पे 12, इसे लिख सकते हैं 0.2 पर 12, ये जो होता है साइन, ये होता है हमारा किसका, बार बार, ठीक। फिर इसे लिख सकते हैं कितने, 3 ही तो रिपीट हो रहा है, जो संख्या रिपीट होती है उसी के ऊपर हम क्या करते हैं, बार चिन्ह लगाते हैं, इस वाले साइन को लगाते हैं, जो संख्या रिपीट होती है, जो नहीं रिपीट होती है उसके ऊपर नहीं लगाएंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे आ जाओ 0.3 पे बार, 0.4 पे बार, अब 0.5 पे बार, ऐसे ही करके हम वैल्यूओं को निकालते जाएंगे, ठीक। पहली बात बार के बारे में समझ में आ गया कि बार किस लगा है, तो मतलब रिपीट हो रही है वैल्यू, रिपीट हो रही है मतलब वो वैल्यू इस बार लगा है, तो वैल्यू इस रूप में भी लिखी जा सकती है और वैल्यू को इस रूप में भी लिखा जा सकता है, बार का मतलब तो यही हो गया साफ साफ, ठीक। अब देखिए बात करते हैं आगे, बार वाली जब चीज़ें लगी होती हैं तो कन्वर्ट, देखिए मेरे पास अगर फ्रैक्शन में 2 विधियां होती हैं इसकी, अब क्वेश्चन पे आते हैं, जब इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों के, देखिए मेरे पास फ्रैक्शन दिए थी, इससे मैंने क्या किया पॉइंट में कन्वर्ट किया, पॉइंट में मैंने देखा कि रिपीट वैल्यू कौन सी हो रही है, जो वैल्यू रिपीट हो रही है लगातार उस पर मैंने क्या किया वार लगा दिया, ठीक है। अब जैसे मैंने मान लिया एक और वैल्यू मैं यहाँ पर लेके दिखा देता हूँ, इसे हटा के, इसे हल्का सा यहाँ पर एक और, उसके बाद जैसे मैंने यहां पे लिखा,
एक मिनट, बना नहीं पा रहे हैं, बना रहे हैं 1 मिनट। ये मेरे पास है, देखिए मेरे पास, मैंने फ्रैक्शन रूप में नहीं लिखा है, मैंने इस रूप में लिखा है। कौन से रूप में? पॉइंट दशमलव रूप में मैंने ये वैल्यू रखी है। इसे अगर मैं बार रूप में कन्वर्ट करूं तो कैसे करेंगे? 0.2। क्या 2 रिपीट हो रहा है बार बार? नहीं हो रहा है ना, तो 2 को मैं 2 के ऊपर बार नहीं चढ़ाएंगे। जो वैल्यू रिपीट हो रही है उसी के ऊपर बार चढ़ाएंगे। तो मैंने कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही? 4, तो ये चढ़ा दिया। तो ये क्या हो गया? ये रही हमारी ये वैल्यू, ठीक है। तो ऐसे हम वैल्यूओं को कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए थोड़ा सा इसके दो मेथड होते हैं। क्या होता है, या तो मेरे पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू दी जाती है तो उसे हम किस में, बार रूप में पूछ लेता है वो कि बताइए पॉइंट में क्या क्या होगी, पॉइंट में तो आप निकाल लोगे, ठीक है, वैल्यू कैसे करके। मैंने भाग भी बता रखा है और वो चीज़ें भी बता रखी हैं कि पॉइंट में अगर आ जाए तो फिर अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, दशमलव भाग शॉर्ट विधि से कैसे, मैंने बताया वो भी, मैंने आगे पीछे बता दिया है, मल्टीप्लाई भी मैंने बताया, ठीक है, आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं उसे देख लेना। अब बात करते हैं कि बार कैसे लगाएंगे, मतलब ये वाली बीच की चीज़ें हैं ही नहीं अब हमारे पास। अब क्या है यहाँ पे, साफ साफ सीधी बात ये है कि जो हमारी फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शन है, उससे डायरेक्ट बार कैसे कन्वर्ट करेंगे और बार से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये दो मेथड होते हैं, दो तरीके से हमें ये सीखने होते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए एक एक करके हम दोनों सीखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन से पहले हम करेंगे फ्रैक्शन से बार में कन्वर्ट, ठीक। तो जो मैंने मेथड बताया अभी, फर्स्ट मेथड, फर्स्ट फ्रैक्शन कन्वर्ट इन बार, रिपीट नॉन टर्म डेसिमल, ओके, ठीक। अब देखिए मेरे पास क्या था, मेरे पास यहाँ पे है वैल्यू 125/999, ये वैल्यू है। तो इसे अब मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। जब इसे मुझे कन्वर्ट करना है तो हम क्या करें, अब सबसे बड़ी बात, ये कितनी है मेरे पास, ये है वैल्यू है। तो 0 पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और मैंने किया तो कितना आया, 1 आया, ठीक। तो देखिए तो यहाँ पे 0 आया, अब 1 बन,
मधुनी 18, ठीक है। तो ऐसे ही करके कुछ वैल्यू आएगी हमारे पास एंड अप में, 2 2 2 समथिंग। तो इसे हमने क्या किया, 0.12 पे बाल लगा दिया, ये रहेगी हमारे पास वैल्यू, ठीक है। और भी हो सकती है कुछ भी वैल्यू, ठीक है। 1 2 3 हो सकती है, हाँ ये भी हो सकता है, 1 2 3 रिपीट हो, 1 2 3 1 2 3, तो ये 3 पे लग गया, तो 3 ऐसे करके वैल्यू हमारी फ्रैक्शन से बार में कन्वर्ट होगी। अब देखिए बार वाला कि कौन सी, कभी कभी ऐसा आ जाता है मुझे बार दे दिया जाता है, फ्रैक्शन में पूछ ली जाती है वैल्यू बताइए कि इसके इक्विवेलेंट कौन सी वैल्यू है, तब कैसे करेंगे, वो ज़्यादा पूछा जाता है ये तो कभी कभी। ठीक, अब देखिए मेथड 2 में क्या है, बार कन्वर्ट इन फ्रिक्शन, यहाँ पे कर लो फ्रैक्शन, कर लो फ्रैक्शन, नहीं फ्रैक्शन माने तो घर्षण होता है, फ्रैक्शन फोम, ठीक है। अब देखिए ये लिखा है मैंने, अब इसमें क्या है कि जैसे मेरे पास कोई भी वैल्यू आ जाए, जैसे हाँ मान लेते हैं 1 मिनट, कोई एग्जांपल हम एक बुक लेते हैं उससे देख लेते हैं कि, ठीक है, कोई एग्जांपल एक अच्छा सा, अरे भाई सेवन, ठीक है, हाँ जैसे मैंने ले लिया 0.47, ठीक है, ये एक वैल्यू मैंने ले ली और इसके ऊपर मैंने लगा दिया बार। अब इसे कन्वर्ट करना है, तो अब देखिए सबसे बड़ी बात कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही तो है, 0.47 47 47 47, ये सीरीज चलती जा रही है, यही तो है मतलब, ख़त्म होने वाली है नहीं। तो हमने क्या किया कि देखिए सबसे पहले हमें एक ऐसा मेथड बताएंगे जो यूनिवर्सल रहता है, जो मोस्टली जब क्लास 10th में होते हैं या 9th में होते हैं तब उसका प्रयोग किया जाता है। अब वही मेथड में बताऊंगा, देखिए सबसे पहले, उसके बाद शॉर्ट विधि भी मैं बताऊंगा, ठीक है, दोनों मेथड। तो पहले तो हम ट्रेडिशनल मेथड बता रहे हैं, ऊपर वाला इरेज कर दे रहे हैं, अब उसकी कोई ज़रूरत है नहीं, इस वैल्यू को याद रखना बस, मैंने क्या वैल्यू रखी थी, ये इसे मैंने क्या लिखा था, 0.47 0.47 47 47 47 47 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इनफाइनाइट, ये मैंने वैल्यू रखी थी। अब देखिए इसमें इसमें क्या है, मैंने माना लेट, लेट करके करेंगे इसे, ट्रेडिशनल मेथड है भाई, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे, जो हमारे पास ये वैल्यू है इसे क्या करें, एक्स मान लेते हैं, एक्स ए बी सी डी कुछ भी मान लो, क्या थी, 0.47 47 47 47 47 डॉट डॉट डॉट, इनफाइनाइट, यही थी ना मेरे पास। अब हम क्या करें, जो एक्स वैल्यू है दोनों तरफ, ये क्या है मेरे मेरे पास, ये क्या है एल एच एस, ये क्या है आर एच एस, अगर ये पता है तो देखिए ये इसे क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक, ये बता ये चीज़ बोलते हैं। तो एल एच एस की तरफ क्या है एक्स, आर एच एस की तरफ ये, मतलब दोनों वैल्यू हमारी क्या चाहिए, बराबर हैं। तो अब बात करते हैं, देखिए
एक मैंने बताया रूल, जब मैं मल्टीप्लिकेशन सिखा रहा था तो उसमें मैंने बताया था कि अगर LHS RHS जब इक्वल हैं, तो एक अगर LHS में हम किसी संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, भाग करते हैं या फिर मल्टीप्लाई करते हैं, इनमें से तीन चार में से कोई भी चीज़ करते हैं, तो सेम सेम संख्या का RHS में भी जोड़ घटाना गुणा भाग करेंगे जो LHS में करेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल फोर, पहले हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं, जैसे 5 = 10/2, ठीक। 5 बराबर कितना है? 10/2। या फिर मैंने यहाँ पे लिखा x+5 = 7+y, ठीक। कितना है? x+5 = 7+y। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया कि इसमें पूरी संख्या में x+5 में मैंने 2 जोड़ा, तो इधर भी क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे, बराबर हो गया, क्योंकि पहले भी बराबर था, अब भी बराबर है, 2 से 2 काट देंगे, ठीक है, अभी भी बराबर है। अगर मैंने 2 घटा दिए इधर से, तो क्या करेंगे? इधर से भी मैं 2 को घटाएंगे। अगर मैंने इस संख्या में क्या किया, RHS, इसमें LHS में और RHS, अगर LHS में मैंने x+5 में मैंने भाग दे दिया 4 का, तो हम क्या करेंगे? बराबर लगा के 7+y में भी 4 का ही भाग देंगे। और सेम कंडीशन मल्टीप्लाई में करेंगे क्या, x+5 में अगर 4 कुछ भी मान लो, कोई भी संख्या मान लो, 10 मान लो, 10 का अगर मैंने मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 7+y में कितने का? 10 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके ये बराबर लगा रहेगा चिन्ह, ये दोनों संख्याएं बराबर बनी रहेंगी, ठीक। इस इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं? आ गई, ठीक है। अब देखना, यही रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यही वाला सेम रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कैसे? देखिए, मेरे पास क्या है, एक्स बराबर कितनी वैल्यू है, 0.47474747 इनफाइनाइट, यही है। अब मैंने क्या किया, इधर 10 का और इधर भी मैंने कितने का, 10 का कर दो। यहाँ पे पहले देखो कौन कितनी कौन सी संख्या, कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं या 1 अंक रिपीट हो रहा है? अगर 1 अंक रिपीट हो रहा है तो हम क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का। अगर 3 अंक रिपीट हो रहे हैं तो कितने का मल्टीप्लाई, 1000 का। अगर 4 अंक रिपीट हो रहे हैं तो, ठीक है, जो भी है। अब देखिए यहाँ पे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, 2 2, तो हम क्या करेंगे, एक्स की तरफ कितने का, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी कितने का, 100 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 0.47474747 इनफाइनाइट इंटू 100। अब मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया, तो ये क्या हो गया, 100x बराबर, ये कितना हो जाएगा मेरा, 47। मल्टीप्लाई करते हैं जब भी किसी संख्या में, तो 2 अंक हमारा क्या हो जाता है, खिसक जाता है दाई तरफ के लिए, ठीक है, पॉइंट। तो 4747474747 इनफाइनाइट, यही है मेरे पास वैल्यू। अब हम इस वैल्यू को, इस वाली को ये लिख सकते हैं, 47+0.47474747, क्योंकि अगर देखिए ये चीज़ हम कैसे बता रहे हैं, ये कैसे बता रहे हैं, ये वाली चीज़ यहाँ पे देखिए ज़रा ध्यान से, इस वाली चीज़ को, सॉरी, इस वाली चीज़ को हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कैसे, देखो मेरे पास 8.10 ये है, या तो हम क्या करेंगे, 8+0.10 ऐसे ही तो करेंगे, तो हम इसे जोड़ेंगे, अगर कैसे, यहाँ पे 8 पॉइंट लगाएंगे, 0 0, फिर पॉइंट की जगह पॉइंट, 1 0 और 0 0 1.8, ऐसे ही तो जोड़ते हैं हम, एडिशन ऐसे ही तो करते हैं पॉइंट वाले, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे की है मैंने, समझ में आ गया, ये तर देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, और यहाँ पे इसे इरेज कर दे रहे हैं, इसे देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।
ठीक। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे बराबर में कितना चल रहा है मेरा 100x, और ये मेरा क्या हो गया 47 प्लस इतना, अब डॉट 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 इनफाइनाइट, यही है। तो इसकी वैल्यू हमें पता है या नहीं है? देखिए, पहले हमने शुरुआत में यही माना था x बराबर इतनी, तो इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा 100x बराबर 47 प्लस एक्स। तो इसे हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये सेम टर्म एक तरफ ले आओ और अपोजिट वाले एक तरफ, तो एक्स इसमें भी है इसमें भी है, तो एक तरफ ले आओ एक्स वाले जितने भी हैं, तो ये हो जाएगा 100x माइनस एक्स बराबर 47, तो ये हो जाएगा 99x बराबर 47। और ये यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालेंगे कितनी आएगी, 47/99। ठीक, ये हमारी फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई। ओके, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अगर इसे काटना चाहो काट दो, कटना चाहता है तो, नहीं तो इतना ही काफ़ी है, सफिशियंट। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन करेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, ठीक है, किससे, ट्रेडिशनल, ठीक है, परंपरागत वाला मेथड जिसे बोलते हैं, ठीक है, ऐसे ही करेंगे सारे के सारे क्वेश्चन। अब आगे आ जाते हैं, बात करते हैं शॉर्ट मेथड, ठीक है, इसे इरेज करने जा रहे हैं हम, उतार लीजिए। अब बात करते हैं शॉर्ट मेथड, और इसी को अपनाएंगे हम। मेरे पास क्या था, जीरो पॉइंट 47 पे बार, ये थी मेरी प्रॉब्लम। इसमें अब मैं चला रहा हूं शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड। देखिए, जब ऐसी बात आ जाती है तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले देखेंगे कि ये बताइए कि कितनी संख्या के ऊपर बार लगा है। हम कहेंगे दो संख्या के ऊपर बार लगा है, तो जो संख्या लिखी है उसे जैसा है वैसा ही लिख दिया। मेरे बार कितने पे लगा है, दो पे, तो मैंने क्या किया, 2 बार 9 लिख दिया, बस ये हो गया। अब ऐसे ही मेरे पास क्वेश्चन आ जाए, ठीक, ऐसे करके, अब देखिए एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक, ये क्वेश्चन। अब एक तो हम समझ गए, एक और ले ले रहे हैं भाई, ठीक। अब देखिए क्या है, अभी तक तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, अभी तक मैंने क्या देखा है यहाँ पे कि 0.47 मतलब अगर कोई संख्या हमारे बार के रूप में दी है तो वो संख्या लिख लेंगे, और जितने अंकों पे बार लगा है उतने 9 लिख देंगे, ठीक है, ये तो शॉर्ट मेथड में आ गया। अब इसमें भी वही काम करेंगे क्या, हाँ इसमें भी करेंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। थोड़ा सा क्या चेंज रहेगा, देखिए संख्या है वही, जो संख्या है वही संख्या लिख देंगे हम, लिख दी हमारे पास। अब इस पे देखिए कितने पे बार लगा है, 2 अंकों पे, तो मैंने क्या किया, 9 बार 2 बार 9 लिख दिए। अब कितने बच गए मेरे पास अंक, जितने बच गए हैं उतने 0 नीचे लगा देंगे 9 के साथ में, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। तो मैंने पहले जो केस था वही मैंने किया, इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, 0 2 लगा दिए नीचे, उसके बाद जो संख्या बच गई थी उससे जो मौजूदा संख्या है इसमें से घटा देंगे, बस इतना काम करेंगे। जो संख्या आएगी मेरी वही हमारा आंसर हो जाएगी, कितनी, 4312/9900, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इसमें आ जाइए, इसमें इसमें क्या करेंगे, देखिए मैंने क्या बताया, वही चीज़, पहले देखेंगे कि बार कितने पे लगा है, 2 पे, तो 2 बार 9 नीचे लिख लिए, ठीक है, कितने पे नहीं लगा है, 1 पे, तो 1 0 लगा दिया, 2 पे नहीं लगा होता तो 2 0, 3 पे नहीं लगा होता बार तो 3 0 लगाते, ठीक है, ये लगा दिया। अब बात करते हैं जो संख्या है मेरी पूरी उसे नोट कर लेते हैं, तो 2 4 3 हो गई। अब इस पे इस पे देखो, इस संख्या में कितने पे बार नहीं लगा, कोई ऐसी संख्या है जिस पे बार नहीं लगा है, हाँ
है क्या है, दो, जिस पे बार नहीं लगा है। तो बार अगर नहीं लगा है तो हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे, जो इस पे बार नहीं लगा उसे घटाएंगे सिर्फ, ठीक है। तो इसे घटाएंगे तो 241/990, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें आ जाइए, इसमें कोई ऐसी संख्या है नहीं जिस पे न लगा हो बार, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 4/9, साफ सीधी बात, ठीक है, ओके, हो गया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों के दशमलव वाला चैप्टर अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। अब ये है कि इस जितना मैंने बता दिया है इससे बाहर आने वाला कुछ नहीं है, इसी में घूम घूम के देगा वो, या तो वो बार के फॉर्म में देगा आपको क्वेश्चन, तो वो निकलवाएगा हमें किस में, रेशनल नंबर में या फ्रैक्शन नंबर में। और अगर हमें रेशनल नंबर या फ्रैक्शन नंबर में देगा तो हमसे कहेगा कि बार बताइए इसका, कि कौन सी संख्या रिपीट हो रही है बार बार, ठीक है। तो बस इतना ही कहेंगे। और हाँ, आपसे इतनी फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि देखिए, आप प्रॉफिट ले रहे हैं अच्छी बात है, बट दूसरों को भी प्रॉफिट दें, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें, जिससे कि आप भी पढ़ें, पढ़ें और वो भी पढ़ें, ठीक है। चलो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके बाद हम बात करते हैं फिर, हैं अगले, अगला मेरा रहेगा कौन सा वाला, मैंने बताया था स्क्वायर और स्क्वायर रूट, फिर आएगा मेरा इस क्यू और क्यू रूट, इन दोनों को हम बताएंगे। इनमें हम ट्रेडिशनल मेथड भी बताएंगे, मतलब कि परंपरागत वाले मेथड कौन से हैं, जो क्लास हमारे 5th से या 6th से शुरू हो जाते हैं और 12th तक चलते रहते हैं, ठीक है, तो वो कैसे किए जाते हैं। और कुछ मेथड ऐसे हैं जो एग्जाम पर्पस से कैसे सॉल्व करते हैं, मतलब कम समय में हम क्यू क्यू रूट कैसे निकाल सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों मेथड हम अगले वाले लेक्चर में बताएंगे जब हम दूसरा लेक्चर लेके आएंगे, ठीक है। चले चलते हैं, सत श्री अकाल, बाय।